ऐसा होगा अफगानिस्तान का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 35,000 लोगों की बैठने की क्षमता होगी। क्या है पूरी बात जानते हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ACB अब इंटरनेशनल मैचों की मेजबानी करने के लिए तैयारी कर रहा है। इसके लिए उसने देश का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने की तैयारी भी पूरी कर ली है। राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने राजधानी काबुल में 12,000 स्क्वायर मीटर की जमीन को मंजूरी भी दे दी है। इससे पहले अफगानिस्तान ने शुरुआती दिनों में UAE के शारजा को होम ग्राउंड बनाया था। इसके बाद ACB ने भारत के देहरादून को होम ग्राउंड के तौर पर अपनाया था। अफगानिस्तान बोर्ड ने 2019 में होम ग्राउंड को लखनऊ क्रिकेट स्टेडियम को भी बाद में शिफ्ट किया था। स्टेडियम की क्षमता 35,000 दर्शकों की होगी। परिवार के लिए बैठने की व्यवस्था अलग से रहेगी। स्टेडियम में 5-स्टार गेस्ट हाउस के साथ स्विमिंग पूल, इंडोर और आउटडोर एकेडमी, हेल्थ क्लिनिक, कार पार्किंग और प्रशासकीय कार्यालय के साथ मस्जिद भी रहेगी। और इस क्रिकेट स्टेडियम को मंजूरी मिलने के बाद ACB के चेयरमैन फरहान यूसुफ जई ने कहा कि काबुल में स्टेडियम को मंजूरी मिलने से बहुत ही खुशी मिली है। अब अफगानिस्तान में ऐसी जगह स्टेडियम बनेगा जहां फैंस को अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को खेलते हुए देख सकेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने देश में क्रिकेट को बढ़ावा देने और सपोर्ट करने के लिए उनका शुक्रिया भी कहा। तो यही था आज का वीडियो। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।